गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग डीएक्सएन. सुबह से हमारे बहुत से सीनियर लीडर्स हमको बहुत ताकत मिला यहाँ आकर के, और पहली बार हम लोग टीएसआई पे आए हैं. हमारी टीम में हम लोग चार लोग आए हैं. हमारे एक सीनियर लीडर यहाँ पे पांच पांडव की बात कर रहे थे, तो हम लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए हैं. तो लड़ाई तो जीतना ही है. हमारा टॉपिक है मोटिवेशन. हम क्यों मोटिवेट होते हैं इस कंपनी से, डीएक्शन से, क्योंकि डीएक्शन कंपनी के अलावा हमको कोई कंपनी पसंद नहीं आई. इसके पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे. हमारा 10 लाख रुपए का बिजनेस में नुकसान हुआ, वहीं से हम टूट गए. और उम्र कम थी और हमको लगा कि हम तो अब बर्बाद हो गए हैं. और हमको ये भी नहीं मालूम था कि डीएक्शन ये प्लेटफॉर्म क्या क्या देता है. संयोग और किस्मत, संयोग था और किस्मत ने साथ दिया कि उसी समय पे डीएक्शन मिला था जब बिजनेस में हम लड़खड़ाए थे और 10 लाख रुपए का नुकसान उठाए थे. और कुछ घटनाएं घटी, डीएक्शन मिला और हम बिजनेस के तौर पे इसको प्रमोट करना शुरू किए. और हमको ये नहीं मालूम था कि एक प्लेटफॉर्म पे हम एक काम के लिए आते हैं, एक चाहत को लेकर के आते हैं, एक चाहत को लेकर के आते हैं. बहुत से लोग हमारे, बहुत से बड़े सीनियर लीडर्स हैं, साथी हैं, जो डीएक्शन में कोई पैसा के लिए सिर्फ आया था, कोई स्वास्थ्य को लेकर के आया था, मगर यहां आने के बाद कंप्लीट हैप्पीनेस मिल गया. कंप्लीट हैप्पीनेस, जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं, कंप्लीट हैप्पीनेस. हमारी जिंदगी में क्या चाहिए? कंप्लीट हैप्पीनेस. और कंपनियों वाले क्या समझते हैं? पैसा मिल जाएगा तो हैप्पीनेस मिल जाएगा, उनका मानना यह है. मगर जिस दिन उनका स्वास्थ्य निकल जाता है तो क्या उनको हैप्पीनेस होता है? नहीं होता है. मगर हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, लकी हैं कि डीएक्शन में आने के बाद स्वास्थ्य अच्छा मिलता है. और स्वास्थ्य को लेकर के बात करें तो जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसको जवानी अच्छा होता है. बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, जवानी नहीं है, तो क्या कंप्लीट हैप्पीनेस उनके जीवन में नहीं आता? तो जवानी अच्छा होता है, निरोगी जीवन होता है और उम्र भी लंबा होने लग जाता है. क्योंकि बहुत से लोगों को हम ऐसा कहते हुए सुने हैं कि डीएक्शन नहीं होता तो अब तक हम जला दिए गए होते, हम दफन कर दिए गए होते, ऐसा वो लोगों को हम सुने हैं. तो लंबा जीवन, लंबी जवानी और निरोगी जीवन, कंप्लीट हैप्पीनेस. पैसा भी जबरदस्त सिक्योरिटी के साथ में आता है, उस बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है. इस पैसे का डीएक्शन के अंदर जो बिजनेस होता है वो जबरदस्त सिक्योरिटी है, क्योंकि लोगों को जवानी चाहिए. आने वाले समय में जवानी चाहिए, उसको बुढ़ापा नहीं चाहिए, इसलिए हमारा सिक्योरिटी बना हुआ है. तो हम टेंशन फ्री होकर के बिजनेस करते बहुत आराम से, और पैसा भी सिक्योर, पैसा भी आता है. और उसके बाद टाइम फ्रीडम की बात करें तो हम घर में सोते हैं फिर भी 1 लाख से ऊपर का इनकम रहता है. 1 लाख से ऊपर का इनकम रहता है. अभी तो आयुषी से और भी बढ़ गया है इनकम हमारा, लगभग 1.5 गुना हो गया है. तो टाइम फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, मनी फ्रीडम. हमको नहीं मालूम था कि हमारा वो बिजनेस टूटा, मतलब भगवान एक छीनता है तो उसे अच्छा देने का भी उसी का काम है. हमको नहीं मालूम था कि हमको देश का यात्रा, विदेश का यात्रा भी मिलने वाला है. मगर ये भाग्य की बात है कि डीएक्शन मिला है. और हम आज के 3 साल पहले हमको बिजनेस प्लान नहीं आता था, कुछ नहीं जानते थे, यही सच्चाई है. और बाली में भी ये बात हम बता चुके हैं, हमको बिजनेस प्लान नहीं आता है और बस हम लोग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं. तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, आपका इतना पीपी जाता है फिर भी आपका टीएसआई पॉइंट कम होता है, तो वो जानने का जरूरत है. वही जानने के लिए अभी इंटरेस्ट जग गया है.
क्योंकि अब जैसे शेर के मुंह में खून लग जाए तो मानने को तैयार नहीं, वो खूनी हो जाता है ना, वही बात है। और अगर हम बात करें तो डिएक्शन के ऊपर एक कहानी हमको याद आती है, अगर आपकी इजाजत हो तो कहानी सुनाएंगे। यस, हम कैफियत से दिल्ली आए, कैफियत उसमें एक पैसेंजर थे, उनको लखनऊ में उतरना था, तो लखनऊ में उतरना था, वो पैसेंजर जो टीटी थे उनसे बोलते हैं कि हम भाई हमको लखनऊ में उतरना है, मगर हम बहुत शौकड़ आदमी हैं, हम लखनऊ में उतर नहीं पाएंगे, आप हमको उतार दीजिएगा, जगा दीजिएगा। तो टीटी बोलते हैं ठीक है साहब जगा देंगे, तो फिर बोलता है अरे नहीं नहीं हमको ज्यादा ही शौकड़ है, आप हमको ऐसे ऐसे हिला के जबरदस्ती जगाइएगा नहीं तो हम जगेंगे नहीं। फिर बोलता है ठीक है भाई ऐसा ही जगा देंगे, तो फिर वो बोलता है कि ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा करिएगा कि हमको लखनऊ जब आएगा तो आप कितना भी हिलाएंगे ना हम जगेंगे नहीं, आप हमको उतार दीजिएगा सीधा, हमको हम सोए रहेंगे, हमको प्लेटफॉर्म पे उतार दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू, हमको उतार दीजिएगा, हम सोए रहेंगे, हम जग जाएंगे वहां पे। अब क्या होता है कि ट्रेन आती है दिल्ली प्लेटफॉर्म पे और वो आदमी जग जाता है और जग करके टीटी को गाली देता है, बहुत सारा गाली देता है कि तुमको बोला था ना कि लखनऊ में उतार देना और तुम हमको लखनऊ में नहीं उतारे। तो वो बाकी और सब टीटी इकट्ठा हो गए तो बोलते हैं यार ये तुमको इतनी गालियां देते जा रहा है, इतनी गालियां देते जा रहा है, तू बोलता क्यों नहीं, अरे ये तुम्हारी ड्यूटी थोड़ी है कि इसको जगाएगा इसको उतारेगा। हा? तो वो बोलता कि अरे भाई ये क्या गाली दे रहा है, गाली तो वो दे रहा होगा जिसको मैं उतार दिया हूं लखनऊ में, गाली तो वो दे रहा होगा। हम लोग का किस्मत अच्छा है साथियों कि सही प्लेटफॉर्म पे उतारे गए हैं, टाइम फ्रीडम, देश विदेश का यात्रा, हेल्पिंग पावर, नेम फेम, क्या चाहिए, सब मिलता है डिएक्शन में, क्या चाहिए सब मिलता है डिएक्शन में। और हमको ये बताते हुए बहुत फख्र होता है, थोड़ा सा आप लोग इस कहानी को फिर से पॉजिटिव में लीजिएगा, कहानी का इजाजत है तो लंबा हो जाएगा सर। तो पहले एक कहानी सुनते थे, वो कहानी थी अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग, अलादीन जब उसको रगड़ते थे तो उसमें से एक निकलता था जिन, और वो बोलता था हुक्म करो मेरे आका। हमको लगा कि डिएक्शन, अरे वही चिराग है डिएक्शन, जब इसको हम लोग रगड़ते हैं तो उसमें से निकलते हैं डॉक्टर लीम सियो जिन, जिन वो जिन के भी दादा हैं, और बोलते हैं क्या चाहिए मेरे आका, जवानी चाहिए तो ये प्रोडक्ट खा लो, पैसा चाहिए तो बिजनेस कर लो, टाइम फ्रीडम, क्या चाहिए सब मिलता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अलादीन के चिराग से भी तगड़ा चिराग हमारा डिएक्शन है, रगड़ने का जरूरत है साथियों, रगड़ते जाइए। और हमारे भाई बोलते हैं कि एक कहानी और सुना दीजिए। यस यस यू हैव, तो आज सुबह से शाम तक इतनी सारी बातें हो रही थी, मजा आया है सुनकर के, बड़ा अनुभव भी बढ़ा है, और कुछ सीखना है आप लोगों से सिखाइएगा कि हम भी अगले हर बार आते रहें, टीवी जाता है थोड़ा सिस्टम सिखाएंगे तो हम भी आते रहेंगे, हम अपने परिवार के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शत्रुघ्न अभी आए हैं, पूरा बानरी सेना बाकी है वो आएगी। तो कहने का मतलब एक बार क्या हुआ कि नदी में बाढ़ आ गया, और नदी में जब बाढ़ आया तो पानी नदी का बढ़ करके और खेतों में आ गया,
वो पानी पार करके बहुत ऊंचाई पे आया, और जब ऊंचाई पे आया तो एक मछली थी नर और मादा, मम्मी पापा वो सब अपने बच्चों को लेकर के उस खेतों में आ गए, और खेत में उनके खाने के लिए बहुत पहले से खूब पड़ा था, पानी भी पड़ा था, तो उनके बच्चे खूब उछल कूद मचा रहे हैं, खूब उछल कूद मचा रहे हैं। अब वो मछली जो थी, माँ जो थी, बहुत खुश थी कि अरे वाह क्या बात है, मेरे बच्चे इतने उछल कूद मचा रहे हैं, कितना अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे। और पिताजी बड़े चिंतित थे, पिताजी तो हमेशा ही आप देखते होंगे बहुत समझदार होते हैं, मगर वो उतने ही कड़क होते हैं, बहुत डांटते हैं, और उसी डांट के वजह से बहुत कम लोग आते रहते हैं, और ये पिताजी और ये माता जी तो एक बिगड़े हुए बच्चे को पकड़ लिया, और ये माँ तो कहानी यहीं पे हमारी है। वो पिताजी समझाते हैं कि बाढ़ का पानी भरा है और ये एक दिन घटेगा, भाग चल लेके गहरे पानी में। तो वो बोलती है, माँ बहुत प्यार करती है, दुलार करती है, और उसी में बच्चे बिगड़ जाते हैं, अक्सर लोगों के साथ होता है, माँ प्यार में समझ नहीं पाती। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं जी, मेरे बच्चे कितने खुश हैं, मेरे बच्चे कितने खुश हैं, मैं नहीं जाऊंगी इन बच्चों को लेकर के। तो वो बोलता है, देख मेड़बंदी है और पानी का स्तर जब घटेगा तो बच्चे फंस जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, तुम बात समझ ले। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। तो वो बोलता है कि देख बात मान जा, बहुत तकलीफ हो जाएगा, बच्चे मारे जाएंगे। तो कितना भी समझाने पे माँ जिद्दी होती है, मानती नहीं है। जैसे हमारे एक भाई आए थे, बताए भाभी जी बताए कि हाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग है, वो मानने को तैयार है। अब वो बोलता है देख मेरा भी प्राण प्रिय है, ये भी फंस जाएगा, नहीं जाएगी तो मैं ही भाग जाऊंगा। तो बोलती है जाओ, कहता है एक बार फिर समझ ले, चल भाग चल। बोलता है नहीं तुम जाओ। तो वो बोलती है, वो चला जाता है गहरे पानी में, चला जाता है। होता क्या है, उनके साथ घटना घटती है, घटना घटती है, पानी का स्तर घट जाता है। और जब पानी का स्तर घट जाता है, एक दिन पानी एकदम कम होते चला गया, सूखने के कगार पे आ गया, कड़ाके की धूप, और वो माँ छटपटा रही है अब बच्चों को लेकर के, उसके बच्चे छटपटा रहे हैं, और उसके बच्चे उस धूप में अब अपने प्राण धीरे धीरे उनके निकल रहे हैं, छटपटा करके वो बच्चे मर रहे हैं। और उसी दौरान कुछ चिड़िया आकर के उसके सामने ही, उस माँ के सामने ही, उसके बच्चे को ठोर से मार मार के और उनका जान मारती है और खा जाती है बच्चों को। और ऐसे करके माँ के सामने जब तमाम सारे बच्चों का मर्डर होता है, वो मरते हैं, और वो माँ को बर्दाश्त नहीं होता है, और उसी दौरान एक चिड़िया उस बड़ी मछली को भी मारता है, उसको जब ठोर से मारता है तो नहीं दिखाइए हम चले जाएंगे अभी ठीक है, तो ठोर से मारता है, और उस समय पे वो छटपटा करके तब वो मछली बोलती है वो रात गई, कि वो रात गई, वो बात गई, वो रात गई, वो बात गई, वो पी गया गहरे गगना, और चोच की घाव ना अखरे, अखरे पेवा के बचना। क्या बात, बहुत समझाया था ओ पिता, बहुत समझाया था कि कर ले बेटा कर ले, यही होता है। हम लोग कितने भाग्यशाली है कि डीएक्शन के साथ में हैं। साथियों हम बहुत, हमको ये हमारी कंपनी है डीएक्शन, इसको हम बहुत प्यार करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, अपने डीएक्शन में मस्ती करते हुए चलते रहते हैं। और अगली बार फिर हम बानरी सेना लेके आएंगे, थोड़ा सा आप लोग सिखाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। छोटा ताली का संजय पाल जी का अभिनंदन करें, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इस प्रोग्राम की अगली कड़ी में अब वक्त है डायनामाइट के फटने का। डायनामाइट देखा है आप लोगों ने, डायनामाइट कैसे होता है? आरडीएक्स को चले गए, सुबह सुबह आए थे, अब डायनामाइट की बारी है।